देखें, कहने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ कितने हैं, 22 करोड़ हमारी आबादी है और 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो एक दो को देख के आप किसी भी कम्युनिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई एक दो तरक्की कर जाता। तो यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस बने थे राणा भगवान दास, तो वो हिंदू थे। तो आप ऐसे एक दो लोगों को देख के ये नहीं कह सकते कि पूरी कम्युनिटी तरक्की कर गई है। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आपके घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज ये टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस, आपको रिसेंटली पता होगा कि उत्तर प्रदेश से एक मतलब मुस्लिम लड़की, वो बना है फाइटिंग एयरक्राफ्ट जेट का पायलट बनी है वो। और भाई ये बहुत ही बड़ी बात है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। सो भाई, बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई पाकिस्तानी हमेशा यही कहते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, उन्हें कोई हक नहीं दिया जाता, उन्हें ना नमाज़ पढ़ना दिया जाता है, उनकी बेटियों को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता। मतलब इंडिया जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लड़कियों को मतलब इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है भाई इमरा अहमद ऑफिशियल, वो जाके पाकिस्तान पब्लिक के मतलब ये न्यूज़ दिखा रही है और बता रही है कि भाई मतलब पाकिस्तान हमेशा ये कहते हैं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होते हैं और उन्हें हुक्म नहीं दिया जाता। तो भाई फिर ये क्या है, मतलब जो यूपी से वो लड़की बनी है, पायलट बनी है, फाइटिंग एयरक्राफ्ट जेट के पायलट बनी है। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं और उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो भी करते हैं स्टार्ट। लेकिन भाई उससे पहले, अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ अगर जल्दी से कर देना। तो भाई चलिए, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, औरतों को आगे आना चाहिए और अगर मुसलमान अगर तरक्की कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, औरतों को इस्लामी कानून की पासदारी करते हुए आगे आना चाहिए और उसके मुताबिक जो है जो भी कर सकती हैं वो अपने मुल्क के लिए उनको करना चाहिए। सर, हम वहाँ पर कहते हैं कि मुसलमानों को दबा लिया जाता है, लेकिन वहाँ से बारहा लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की, मुस्लिम लड़कों की खबरें सामने आ रही हैं कि वो लोग ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक कश्मीर की ही लड़की है स्पोर्ट्स में, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा मेडल्स भी मिले, अब ये मिसाल सामने आ गई है। इसके अलावा एक माविया नाम की लड़की है जो कि वहाँ पर पायलट है, वो भी बहुत मशहूर है। क्या कहना चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा तो वहाँ पर मुसलमानों को प्रमोट किया जा रहा है? देखें, कहने वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ कितने हैं, 22 करोड़ हमारी आबादी है और 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो एक दो को देख के आप किसी भी कम्युनिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई एक दो तरक्की कर जाता। तो यहाँ पे जैसे चीफ जस्टिस बने थे राणा भगवान दास, तो वो हिंदू थे। तो आप ऐसे एक दो लोगों को देख के ये नहीं कह सकते कि पूरी कम्युनिटी तरक्की कर गई है। वन सेकेंड, आपने बोला है कि पूरी कम्युनिटी को ये देखकर हम नहीं कह सकते कि तरक्की कर रहा है, तो आप मुझे ये बताएं आपको किस सेक्टर में वहाँ पर माइनॉरिटीज़ नज़र नहीं आती? पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात करें तो 1947 से लेकर अब तक का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर कितनी रह गई है। देखें, ये कहने वाली बात नहीं है कि एक तो या तो हिंदू वापस हिंदुस्तान चले गए, दूसरा है कि आपको पता है जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं इनको ईजिली दूसरे मुल्क की जो नेशनैलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, लोग कहेंगे जी हाँ भाई, क्योंकि वो आतंकवादी कैटेगरी में नहीं आते ना। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम ही ज़्यादा आतंकवादी बनते हैं और भाई ये बात ट्रू है। और भाई रही बात कि हिंदूज माइग्रेट कर गए 1947 के बाद, मतलब आप ये कह रहे हैं, तो भाई क्यों माइग्रेट हुए वो? मतलब पाकिस्तान में उन पर जुल्म हुए इसलिए तो भाई उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ा ना। क्यों, इधर इंडिया में तो कोई मुस्लिम मतलब माइग्रेट नहीं करता। आप लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई इंडिया में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, तो फिर वो क्यों माइग्रेट नहीं करते? साले होती है लोग भैया जी, हम तो इनके नस्ल कुशी की जा रही है। देखिए कितने एयरपोर्ट्स आती हैं, कितने लोग मारे गए यहाँ पे, वैसे नॉन मुस्लिम ज़्यादा, यहाँ पे मुसलमान मारे जा रहे हैं। ठीक है, डेली कोई ना कोई हादसात होते हैं या जो भी होते हैं, जैसे जो इस मुल्क के हालात रहे हैं पहले, तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे मुसलमान बेचारा ज़्यादा आप बुरे हालत में है। देखें कि हमारे यहाँ मुसलमान उससे ज़्यादा बुरी हालत में है। ठीक है, ये चंद तबका है जो आपको पता है जो तरक्की कर रहा है या है, वरना तो यहाँ मुसलमान बेचारों के बहुत बुरे हालात हैं, तो आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे अब एक बात बताइएगा, आपने इंडिया की कम्युनिटी की बात की है कि एक दो से हम पूरी कम्युनिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या वहाँ हमें, हम लोग यहाँ पर, मुझे हर कोई जो भी दूसरा बंदा मिलता है वो ये कहता है वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मुसलमानों की दी जा रही है, क्या प्रोग्रेस है उनकी, तो उसके बारे में क्या आपको कुछ पता है? देखें, जो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तालीम के लिहाज से, जो बढ़ गए, जिनको मौके थे या जिनके जिन्हें तो मौका दे कौन रहा है?
देखें गवर्नमेंट कभी भी दरवाजे पे आके नहीं किसी को पढ़ाती कि हमारी गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं होता। देखें आपके इर्द गिर्द अगर अच्छा आपको माहौल मिल जाता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं। देखें सारी कम्युनिटी में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं तो आप तरक्की भी कर जाएंगे, आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाते हैं। बेशक वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो तो आप तरक्की कर जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे खिते में रहते हैं जहाँ एक्सट्रीमिज़म ज़्यादा है तो फिर आप भूल जाएंगे आप तरक्की कर सकते हैं। आप इंडिया की बात करें एक्सट्रीमिज़म में, देखिए एक्सट्रीमिज़म शायद हर जगह पे है, चाहे आप इंडिया की बात करें जिस मर्जी मुल्क की बात कर लें, हर जगह एक्सट्रीमिज़म है। आपने बोला जो एजुकेटेड हो, वाह बेटे इंडिया का नाम लिया, एक्सट्रीमिज्म हर जगह है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें कहा गया, वो तो हेड है ना एक्सट्रीमिज्म का। तू सही कह रहा है, बहुत चालाक हो आप चाचा जी, लेकिन भाई हमसे ना बच पाओगे। सही बात है, चल निकाल अब। जो एजुकेटेड होते हैं वो आगे आते हैं, तो एजुकेशन भी तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट ही दे रही है ना, उनके स्कूल्स में जहाँ हिंदू तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर मुसलमान भी वहीं पर तालीम हासिल करते हैं। और आपने सुना ही होगा कि सोलर कार वहाँ के एक कश्मीर के लड़के ने बनाई और उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया वहाँ पर, महिंद्रा ने कहा कि हम इस लड़के को और फैसिलिटीज़ देंगे, आगे लाएंगे। तो आप देख लो वो लोग टैलेंट की कदर करते हैं, खबा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला हो। देखिए टैलेंट की कदर पाकिस्तान में, पर टैलेंट आएगा कहाँ से? अगर टैलेंट पाकिस्तान में आता है तो ये बेचारे भी कदर करते हैं, तो अब नहीं आ रहा तो हमारा तो कुछ नहीं है। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं, और हिंदू तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आई थिंक यहाँ एक सेकुलर कंट्री है, और दूसरी बात है आप देख लें यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं, टोटल लोग 22 करोड़ लोग हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान की, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही 40 करोड़ से ज़्यादा हैं इंडिया में। तो बेसिकली जो पाकिस्तान और इंडिया की वुमेंस हैं, तो आप अगर जहाँ पे उनको अच्छा आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा वही जो एरिया होता है वो ज़्यादा आगे चल के कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इसमें मेन जो रोल है वो कंट्री का रोल है, इसमें रोल जो गर्ल्स का नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि उनको जो अगर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा तो वो आगे बढ़ सकती हैं। सर आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियों की यहाँ पर उस तरीके से काउंसलिंग की जा रही है, क्या उस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जैसे इंडिया में बढ़ाया जा रहा है? नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तो इनको दबाया जा रहा है। अच्छा। यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि उनको आगे बढ़ने की एबिलिटी दी जा रही, क्योंकि जो हमारा जो लोकल एरिया है, बेसिकली आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब में ये सीन है कि शादी करो, घर तो रहो, रोले मकाओ, ठीक है। तो जो उनका जो एम है आगे उनको नहीं देखते हम, बस ये सिस्टम होता है, बस जी मगर लाओ जी शादी करो, जाओ 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 जाओ। चाहे डिग्री ली हो बट हाँ। वो डिग्री कहाँ टांगनी है? दीवार पे। दीवार पे टांगनी है, वो सिर्फ एक शोरूम समझ लेके आप ना, वो एक शो टाइप ही है, इसके अलावा उसका कोई उसका पर्पस नहीं है। सानिया मिर्जा उत्तर प्रदेश की लड़की है ना? नहीं वो दूसरी वाली। अच्छा और कोई है? मुसलमान लड़की, बहुत अच्छी बात है। वैसे बना दिया उन्होंने? हाँ हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच है? फिर अच्छी बात है यार। क्यों यकीन क्यों नहीं हो रहा? कि इंडिया वाले हमेशा मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम लोगों को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। सिख लोगों को क्यों प्रमोट करते हैं? क्रिश्चियंस को क्यों प्रमोट करते हैं? मुसलमानों से क्या दुश्मनी है उनकी? सिखों की अच्छा एक है ना अच्छी खासी आबादी है, क्योंकि आप आर्मी में कितने भी बॉर्डर पर खड़े हुए सिख लोग खड़े हुए हैं, और जब भी 1972 और 1900 मुसलमान भी है, यू कांट से कि सिख है वहाँ पर। मैं बता रहा हूँ एक अथॉरिटी है बॉर्डर पर, ज़्यादातर हैं सिख हैं, जो 1965 और 1972 की जंग लगी थी ना उसमें भी ज़्यादा सिख थे। अच्छी बात है भाई, क्या बोल रहा है कि मतलब इंडिया के जो बॉर्डर है और जो हमने जितनी भी जंग लड़ी है उनमें सिख ज़्यादा थे। भाई इधर एक मुस्लिम भी अपने देश के लिए जान देता है, एक हिंदू भी देता है और एक सिख भी देता है, लेकिन हाँ एक बात जरूर कह सकते हैं कि भाई सिख जो होते हैं ना वो होते बड़े बहादुर हैं। तो भाई आप सिर्फ सिख बोल के आर्मी को बांटो मत, चल निकाल अब। अच्छी बात है उन्होंने पायलट बनाया है, और ऐसे हर एक हर मुसलमान को उसके हकूक दिए जाए, क्योंकि जो भी है हिंदू है सिख है क्रिश्चियन है किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है ना वो अपने मुल्क को देखता है, ये नहीं देखता है इंडिया है पाकिस्तान है बांग्लादेश है कुछ, ये वहाँ के मुसलमान रहने वाले अपने मुल्क से प्यार है। इसमें काफ़ी रिसर्च है भी, सवाल मैं अच्छी बात कर लूँगा इस टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली बात यह है कि जब आपकी कंट्री के अंदर हर एक को मौका मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को फ्लरिश करके एक लेवल तक लेके आने का कि आप अपने आप को दिखा सको कि भाई मेरे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं मैं उनको प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो मेरा नहीं ख्याल फिर कि आपकी कंट्री से उसको कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता चलूँ तो 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कायदे आज़म की जो पहली कैबिनेट थी उसके बाद उसमें जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे,
कायदे आजम की फ़र्स्ट कैबिनेट के अंदर जो लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे, और उसके बाद जो फर्स्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो एक कादियानी थे, जिनको 1956 के बाद अगर हम बात करें तो कादियानियों को पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम करार दे दिया गया था। मैं बात करना चाह रहा हूँ सेकुलरिज्म के हवाले से कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इतना सेकुलर है कि वो अपने डिफरेंट रिलीजन्स को अगर एक्सेप्ट करता है तो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हम दूसरे रिलीजन्स को इस तरह एक्सेप्ट करके अपना लॉ मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं। उसके अलावा अगर बात भाई एक बात कह दो कि वो पहले हुआ करता था, नया नया आज़ाद हुए थे ना तुम इसलिए, और उस वक्त पाकिस्तान में अच्छा खासा हिंदू मौजूद भी थे इसलिए तुमने बना दिया होगे। लेकिन भाई अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना तो भाई सिर्फ हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है। अगर भाई तुम्हें बिलीव नहीं होता ना तो भाई तुम्हारे पाकिस्तान में खुद एक चैनल है जिनका नाम है भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी, शोएब भाई है, वो जाके पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी थे उनसे मतलब लिया, जो इंटरव्यू लिया, और भाई मतलब जो मतलब हिंदुओं ने जो बोला ना, जाके भाई पहले उसे देख लो और फिर बताना कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं को कितना ज़्यादा राइट्स मिलता है। चल निकाल अब। हमारे पास हमारी ना कंट्री में कोई एक नॉन मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। हाँ, ये क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है। हाँ, जबकि हाँ, सोच सेक्युलर होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है वो एक इस्लामिक है, क्योंकि कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क के अंदर हर किसी को मंदिर, मस्जिद, चर्च और जो जो उनके रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाने की इजाज़त होगी। लेकिन आपने जो बात की है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या अगर हम बात करते चलें कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और इसके अंदर कोई भी बंदा जो है जब तक वो मुसलमान नहीं होगा, चाहे वो कादियानी ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और यही चीज़ जो है वो आप अगर देखें तो ईरान और सऊदी अरब में भी लागू होती है। इंडिया में अगर आप बात करें वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहते हैं। हाँ, पाकिस्तान की जनिब से हमेशा इस्लामोफोबिया का मसला मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है? इसकी अगर मैं आपको बात करता चलूँ तो इसमें सबसे पहले तो बात ही आती है कि अगर हम देखें तो हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं और बनती हैं कि जिसको अगर हम बात करें तो वो नेगेटिविटी उस मुल्क की प्रमोट करती हैं। पाकिस्तान की अगर मैं इस वक्त आपसे बात करता चलूँ तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट्स नहीं मिलते? आप पहले मुझे ये बताएँ। आप देखें माइनॉरिटीज़ अगर हम 1947 में देखें और अब देखें तो दे आर अब 0.1% एग्जैक्टली वो क्योंकि वो यहाँ से मूव कर गए और किसी हद तक और कई कन्वर्ट कर गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और अगर हम सिंध वाली साइड पे बात करें, कराची वाली साइड पर बात करें तो वहाँ पर उनके रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा भी गया है, ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म के केसेस यहाँ पर भी सामने आए हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है ये किसी आपको मैं करेक्ट करता चलूँ, एक्सट्रीमिज्म एग्जैक्टली वो किसी भी तबके से ताल्लुक रख सकती है, रिलीजन से, किसी भी आप कह लें डायनेस्टी से, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक सोच का नाम है जो मुसलमान में भी हो सकती है, किसी हिंदू में भी हो सकती है, किसी क्रिश्चियन में भी हो सकती है। तो वही तो मेरा सवाल था कि why always Islamophobia in India? Why not Christian phobia? Why not Sikh phobia? और ये मुद्दा भी सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से रेज किया जाता है, किसी दूसरी तो क्या दुबई इस्लामिक नहीं है? तो क्या सऊदी इस्लामिक नहीं है? दुबई तो इस्लाम का गढ़ कहलाया जाता है ना? दुबई नहीं कहलाया जाता, सॉरी सऊदी अरब कहलाया जाता है। अगर मैं आपको बाकी अब ये सऊदी वगैरह की बात करते चलूं तो वो अपने आप को थोड़ा सा ना मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपने अगर उनके जो शेख हैं इस टाइम पे, शेख मोहम्मद बिन सलमान, उनकी भी अगर आपने कभी वो सुनी हो, तकरीर वगैरह सुनी हो, तो वो भी ये बात करते हैं कि हम सऊदी अरेबिया को एक डिजिटल सऊदी अरेबिया बनाएंगे और उसके अंदर हम ये चीज़ नहीं लेके आएंगे कि भाई ये किसी मुस्लिम कंट्री है, ये कोई मतलब किसी भी कोई किसी भी रिलीजन की वो कंट्री हो सकती है। तो अभी भी अगर आपने देखा हो तो उनकी ज़्यादा एफिलिएशन जो है वो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान से उनकी एफिलिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तो सर वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ को राइट दे रहे हैं। तो भाई लोग वीडियो हो गया पर खत्म। और भाई ये पाकिस्तान अपने आप को 57 मुस्लिम कंट्रीज के हेड मानते हैं, भले ही पाकिस्तान में एक भी पाक काम ना हो रहा हो, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा हर जगह हो, सही बात है, लेकिन भाई पाकिस्तान एक पक्का और सच्चा इस्लामिक कंट्री है। वाह बेटे वाह, तेरी बहन का पूर्ति मारू। कांगाली में देश डूब रहा है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है, आ जाते हैं ज्ञान फैलने के लिए कि हम पक्के मुसलमान हैं। जाके पहले अच्छे से अपनी पाकिस्तान की हालत देखो, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और फिर आके बताना कि भाई क्या सच में पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनने के लायक है या फिर नहीं, फिर आके बात करना। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो, और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और भाई इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है।
भाई ये छोड़ो, ये पाकिस्तान तो भाई कुछ भी कहते रहते हैं। हम सब मतलब हम जो इंडियंस है, हम सबको पता है कि भाई इंडिया में मुस्लिमों को कितना ज़्यादा हक दिया जाता है। और भाई मैं खुद उड़ीसा से हूँ और भाई मुझे पता है मुस्लिमों को इधर कितना ज़्यादा हक है। तो भाई ये पाकिस्तानी कुछ भी बोले हमें घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई जाते जाते आपने राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाना कि भाई आपका इस बारे में क्या कहना है। भाई मतलब ये तो एक मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई चाहे वे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी लड़की हो, मतलब एक लड़की मतलब पायलट बन रही है, मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में। तो भाई जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जो भी चाहे मेरे चैनल के साथ कर लो, लेकिन भाई कर लो, मतलब कुछ मतलब गलत मत करना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके और एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।